हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बाल विकास। और आज आप लोगों की बाल विकास की फोर्थ क्लास है। थर्ड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाल विकास क्या होता है, उसके बारे में जाना था। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि बाल विकास पर मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो उन परिभाषाओं को देखा था और वो सभी परिभाषाएं आप लोगों की इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं थी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास की विशेषताएं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। साथ ही मैंने आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है बाल विकास की विशेषताएँ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के जीवन का अध्ययन किया जाता है कि बालक जन्म अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक किस प्रकार से उसमें वृद्धि होती है। जैसे कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो जल्दी चलना सीख जाते हैं और कोई कोई बच्चे होते हैं वो देर से चलना सीखते हैं, 2 साल में, 3 साल में। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जल्दी बोलना सीख जाते हैं, जल्दी भाषा की पकड़ उनकी मजबूत हो जाती है। परंतु बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत देर में बोलते हैं, वो बोल ही नहीं पाते। कुछ बच्चे तुतलाकर बोलते हैं बहुत लंबे समय तक। तो इन सब बारे में जो भी अध्ययन करता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है कि किसी एक व्यक्ति का, किसी एक बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, साथ ही उसके सामाजिक विकास का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत ही बाल विकास आता है। बालक के एक विकास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इसलिए इसको बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, उसी का एक पार्ट है बाल विकास मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है। सेकंड आप लोगों का पॉइंट है बाल विकास व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि एक बालक के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसा वो व्यवहार करता है, कोई बच्चा चिल्लाता बहुत ज़्यादा है, कोई बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता, कोई बच्चा चल नहीं पाता, या कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाता है, किसी बच्चे में कैप्चरिंग पावर बहुत फास्ट होती है, मतलब उसके बच्चे के एक व्यवहार के बारे में अध्ययन करना ही व्यवहारिक विज्ञान कहलाता है। इसलिए बाल विकास को व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है। थर्ड, बाल विकास के अंतर्गत हम लोग एक बच्चे का अध्ययन करते हैं, बच्चे के बारे में चीज़ें समझते हैं कि बच्चा किस प्रकार से समाज में रहता है, किस प्रकार से नई नई चीज़ें वो सीखता है, यही आप लोगों का बाल विकास कहलाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक थर्ड क्लास नहीं देखी है बाल विकास की, तो आप लोग सबसे पहले थर्ड क्लास देख लें, क्योंकि थर्ड क्लास से ही फोर्थ क्लास कनेक्ट है। क्योंकि अगर आप बाल विकास के बारे में नहीं जानेंगे तो उसकी विशेषताएँ भी आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बाल विकास के बारे में मैंने प्रॉपर थर्ड क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बाल विकास क्या होती है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, संज्ञानात्मक को इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जो बच्चा सोचता है, जो बच्चा तर्क करता है, जो बच्चा आसपास से सीखता है, जो बच्चा बिहेव करता है, वो आपका संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आता है संवेगात्मक। संवेगात्मक क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे में जो भी बच्चा जब किसी से बात करता है तो उसमें कितना ज़्यादा बच्चा इमोशनल होता है, उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा होता है, ये सब जो चीज़ें आती हैं वो संवेगात्मक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, कि उसमें किस प्रकार से विकास हो रहा है, उसके संवेगों में किस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट में विकास हो रहा है। उसके बाद आता है क्रियात्मक, मतलब बच्चा जो क्रिया करता है तो उसके क्रियात्मक डेवलपमेंट कहते हैं। क्रियात्मक मतलब जो क्रियाएं कर रहा है बच्चा, जब बड़ा होता है तो बहुत सारी सी क्रियाएं करता है, जैसे बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, आपस में बातें शेयर करता है, सीखता है, जो आप बोल रहे हो उसी से बच्चा भी उस आपकी बातें सुनकर सीखता है। उसके बाद बहुत सारी क्रियाएं करता है, दौड़ता है, कूदता है, सीखता है, गिरता है। तो इन सब क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है। मतलब बाल विकास के अंतर्गत हम लोग एक बालक के व्यवहारिक ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, संवेगात्मक व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, और क्रियात्मक विकास के बारे में कि बच्चे का तर्क किस प्रकार से कर रहा है, वो चिंतन कितना अच्छा कर रहा है, उसका चिंतन मूर्त है या अमूर्त है, इन सब बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आएगा। संज्ञानात्मक वर्ड आपके लिए बिल्कुल न्यू है। पिछली बार हम लोगों ने संवेगात्मक का मतलब पता किया था कि संवेगात्मक मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट, और आज आप लोगों को एक नया वर्ड मिला है संज्ञानात्मक, तो इसको आप ऊपर नोट करके लिख सकते हैं। संज्ञानात्मक डेवलपमेंट मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में बच्चा थिंकिंग, तर्क जो आती है उसके बारे में
अध्ययन किया जाता है या संज्ञानात्मक डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चे के थिंकिंग के बारे में, वो किस प्रकार सोच रहा है, किस प्रकार चिंतन कर रहा है, किस प्रकार तर्क कर रहा है, उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है। तो फोर्थ पॉइंट है, आप लोगों का बालक में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। मतलब मनोवैज्ञानिक कैसे समाधान, शिक्षा संबंधी में कैसे आप मनोविज्ञान, मतलब क्या चीज़ समझ नहीं आ रही ना आपको। तो शिक्षा संबंधी मतलब जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो आप लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो आप उसे डायरेक्टली तो बता नहीं सकते, देखो छोटा बड़ा छोटी ऐसे नहीं। आप अगर उनको बहुत सारी विधियों के द्वारा पढ़ाएंगे, जैसे कि खेल विधि हो गई, मॉन्टेसरी विधि हो गई, आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे इन विधियों के बारे में। खेल विधि मतलब बच्चों को आप खेल खेल में सिखाएं, या फिर बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाएं। जैसे आप कुछ उनको सिखा रहे हैं तो कोई आप कोई फिगर लेके आए फिर उसमें सिखाएं, बच्चों को चित्रों के माध्यम से सिखाएं। तो इसमें जो इनके जो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो बहुत सारी सी विधियां ढूंढते हैं कि बच्चों को किस प्रकार बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी सिखाया जा सके। इसलिए ये शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत सहयोग करती हैं। मनोवैज्ञानिक बहुत सारी विधियों को ढूंढ के लाते हैं और बच्चे का विकास जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए इसके बारे में समझाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है जो, वो बाल विकास में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षण एवं अधिगम के लिए व्यवहार में लाया जाता है। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो कुछ अपने नियम और सिद्धांत बनाते हैं, अगर उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है या उनकी विधियों को शिक्षण में सम्मिलित किया जाता है तो शिक्षण विधि को बहुत आसान बनाया जा सकता है। शिक्षण मतलब जो आप पढ़ते हैं वो, और अधिगम मतलब लर्निंग, ये भी आपके लिए एक न्यू वर्ड है, अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग, जो बच्चा सीख रहा होता है उसे ही हम लोग अधिगम कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक के नियम और सिद्धांतों के अनुसार अगर बच्चे को पढ़ाया जाए, उसकी विधियों के बारे में बताया जाए तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगी। इसलिए बाल विकास महत्वपूर्ण है। सिक्स पॉइंट, बाल विकास के अंतर्गत बालक की प्रतिक्रियाओं एवं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। प्रतिक्रियाओं मतलब बालक, आपने देखा हो कि बहुत सारी सी प्रतिक्रियाएं करता है। कोई बालक जो है वो तुतलाकर बहुत अच्छे से बोलता है, कोई बालक बहुत जल्दी चलना सीख जाता है, या आपने कहीं देखा हो कि अगर कोई गर्म चीज़ है तो आप बालक को मना करोगे लेकिन वो फिर भी छूलेगा, लेकिन जैसे ही वो छूता है कोई चाय का कप या गर्म पानी तो वो तुरंत हाथ हटा लेता है, तो वो प्रतिक्रिया करता है ना। आप उसको नींबू अगर आप खिलाते हो तो वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया करेगा ना बच्चा। तो इन प्रतिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, फिर उनके परिणाम देखे जाते हैं कि बच्चा किस तरीके से उसमें प्रतिक्रिया कर रहा है, किस प्रकार से उसकी जो चीज़ें हैं वो शो कर रहा है। तो इन सब के बारे में बाल विकास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। टोटली हम लोगों को बाल विकास में एक बच्चे का अध्ययन करना है कि बच्चा किस प्रकार से बड़ा हो रहा है, उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग सेवन्थ पॉइंट। तो सेवन्थ पॉइंट है आप लोगों का, बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक उसका निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है, जिससे उसका विकास और जीवन उत्तम होता है। मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया जाता है, उसे देखा जाता है किस प्रकार उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो अपना चेकअप कराने हर मंथ जाती है, इसलिए जाती है कि बच्चे में कोई कमी हो तो पहले ही पता चल जाए, जिससे पहले ही उस चीज़ की जो समस्या है उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जा सके, इसलिए निरीक्षण होता रहता है। तो ये सब क्या, ये सब मनोवैज्ञानिक विधियाँ ही तो हैं जिनके द्वारा आप कोई प्रेग्नेंट लेडी के बारे में चेकअप कर सकते हैं, उसके देख सकते हैं कि उसका बच्चा किस प्रकार से हेल्दी है या नहीं है, या फिर किसी चीज़ की कमी है। तो इन सब के बारे में हम लोग निरीक्षण करते हैं और निर्देशन करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चे में कोई कमी आ रही है, फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद ही बच्चे में बहुत सारे, अपने बच्चे देखे किसी की आइज़ जो है वो बहुत वीक होती हैं, या कोई बच्चा बोल ही नहीं पाता है, या कोई बच्चा तुतलाता है। तो इन सब का निरीक्षण किया जाता है, बच्चे में किस प्रकार से वृद्धि हो रही, विकास हो रहा, उसके बारे में समझा जाता है, फिर उसके कोई ना कोई निवारण निकाला जाता है जिससे कि बच्चे का जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो सके और उसका जीवन जो है वो आगे अच्छा रह सके। इसलिए अगर पहले से बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा तो बच्चा हेल्दी रहेगा और बच्चा जो है वो ग्रोथ भी बहुत फास्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये आप लोगों को इसमें कुछ शब्द हैं जो ध्यान देने हैं, जैसे कि सेवन्थ में आप देखिए इसमें कहा गया है कि बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक उसका निरीक्षण, ये एक शब्द, और निर्देशन किया जाता है किसके अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत। ये सब चीज़ें बाल विकास के अंतर्गत हुई हैं। सिक्स पॉइंट में हम लोग देखते हैं, बाल विकास के अंतर्गत बालक की प्रतिक्रियाएं एवं परिणामों का अध्ययन किया जाता है। किसका, प्रतिक्रियाएं और परिणामों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है।
ये हम लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको अपने जो कॉपी है उसमें अंडरलाइन या नोट प्रॉपर उस पर हाईलाइट कर लेना है इन चीज़ों को। फिफ्थ में देखते हैं बाल विकास में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षण एवं अधिगम के लिए व्यवहार में लाया जाता है। तो ये एक आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। तो जहाँ मैंने ये आपके ब्रैकेट बनाए हैं प्रॉपर इनको अंडरलाइन किया है, तो इसको आपको प्रॉपर अपने नोटबुक में भी अंडरलाइन कर लेना है कि यही इन पॉइंटों में यही इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जिनको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फोर्थ में देखते हैं क्या है, बालक में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। किसका? शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। तो ये आपका इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक संवेगात्मक क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। उसके सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि बाल विकास व्यवहारिक विज्ञान है, मतलब बच्चे के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है, जानता है सारी चीज़ें। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझें से कि ये मनोविज्ञान की कैसे शाखा है, इसके बारे में आगे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे, मैंने 6 से 7 पॉइंट डिस्कस किए। इसको प्रॉपर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं और इनको एक बार रिवाइज़ कर लेना है। कल की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आपको उनको भी एक बार रिवाइज़ कर लेना है। ये आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, टेट में भी वो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे कुछ डेफिनेशन हैं जिसके बारे में मैं आपको कन्फर्म करना चाहती हूँ, बिकॉज इनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाला है कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। तो उनके बारे में आज हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ क्या होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं और वो देखने में तो सेम लगते हैं पर वो होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे देखिए फर्स्ट पॉइंट बाल विकास। बाल विकास के बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बालक में गर्भकाल से किशोरावस्था तक होने वाले मानसिक शारीरिक और भावात्मक परिवर्तनों, कौन कौन से? शारीरिक मानसिक, मतलब जो बच्चे के मस्तिष्क में परिवर्तन आते हैं, साथ में शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, भावात्मक मतलब इमोशनल परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? बाल विकास के अंतर्गत। साथ ही बालक में सामाजिक परिवर्तन भी जो होते हैं, जो बच्चा समाज से सीखता है, उसके बारे में भी हम लोग बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो बाल विकास में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं या क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? तो बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का भावात्मक विकास, साथ ही बच्चे का सामाजिक परिवर्तन जो आते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं बाल विकास में। एंड दूसरा है आपका बाल मनोविज्ञान। ये आपको सुनने में बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, कभी कभी इनमें अंतर पूछ लिया जाता है कि क्या अंतर है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में। तो इसको प्रॉपर आप एक बार समझें कि क्या अंतर होता है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में। बाल मनोविज्ञान को चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, जबकि बाल विकास को चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट से आपको समझ में आ रहा हो कि बच्चे का विकास के बारे में अध्ययन करना, और साइकोलॉजी के बारे में आगे हम लोग देखते हैं क्या प्रोसेस है पूरी। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों की व्यवहार, बालकों की समस्याओं, बालकों की स्थितियों तथा सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बालक में समस्याएं आती हैं, मतलब जब बालक बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं उसे फेस करनी पड़ती हैं, समाज में इतने सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, या बच्चा बोल नहीं पा रहा ये भी एक समस्या है, बच्चा देख नहीं पा रहा ये भी एक समस्या है, या बच्चा चलना ही नहीं सीख रहा है, बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे जो चल नहीं पाते हैं। तो ये क्या बालकों में समस्याएं हैं, इसके बारे में जो अध्ययन होता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। साथ ही बालकों के व्यवहार में, बालक किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, कोई कोई बालक आप लोगों देखेंगे वो व्यवहार नहीं अच्छा करते, मतलब प्रॉपर वो समझ नहीं पाते चीज़ों को, या फिर टच नहीं कर पाते चीज़ों को, या उनके हाथ जो हैं वो प्रॉपर चीज़ों को पकड़ नहीं पाते। तो इन सब के बारे में अध्ययन करना ही मनोविज्ञान होता है, मतलब इन सारी चीज़ों के अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बालकों की स्थितियाँ, मतलब बालक की स्थिति क्या है, बालक चल पा रहा है नहीं चल पा रहा, दौड़ पा रहा नहीं दौड़ पा रहा, बोल पा रहा नहीं बोल पा रहा, इन सब के बारे में अध्ययन करना, तथा सभी कारणों का अध्ययन करना, मतलब जो भी बालक के अंदर कारण होते हैं, जो भी स्थितियां होती हैं सामाजिक मानसिक, उन सब के बारे में अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है, मतलब एक बालक के विकास के बारे में अध्ययन करना। इसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था व बाल्यावस्था तक, आप कह सकते हो जब बच्चा गर्भ में होता है वहाँ से अध्ययन प्रारंभ हो जाता है एक बच्चे का, और प्रौढ़ावस्था में जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, साथ ही बाल्यावस्था तक, कुछ मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था तक अध्ययन करते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन करते हैं। बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मेन बात जो रखी गई वो है मानसिक विकास, जबकि बाल विकास के अंतर्गत
मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और भावात्मक विकासों का अध्ययन किया जाता है। जो भी उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके मस्तिष्क में जो परिवर्तन हो रहा है, जो उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है और जो उसके समाज में परिवर्तन हो रहा है, उससे बच्चे में क्या इफेक्ट पड़ा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं या अध्ययन करते हैं। परंतु बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल बच्चों के मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। इसलिए बाल मनोविज्ञान को ही हम लोगों ने अब नए समय में उसको बाल विकास कह दिया। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की मानसिक विकास का ही अध्ययन किया जाता था, परंतु बाल विकास के अंतर्गत बालक के मानसिक शारीरिक सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता था। तो इस टाइम एक आपको नोट बना के लिखना है, अगर आपको समझ नहीं आई चीज़ें तो मैं एक बार रिवाइज कराऊंगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जो चीज़ें समझ नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट जो है वो क्लियर करूंगी। आपको प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, साथ ही इसकी जो PDF है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जो टेलीग्राम पर जाकर आप लोग अपनी ये PDF से नोट्स बना सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है आपने, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक नोट आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जहां पे भी आप लिख रहे हैं नोट लिखिए आप अपनी नोटबुक में। किस प्रकार का आप नोट लिखेंगे देखिए, या आपको इस तरीके का नोट लिखना है, उसमें लिखना क्या है, वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। मतलब बाल मनोविज्ञान को ही हम लोग बाल विकास कहने लगे हैं। बाल मनोविज्ञान में भी बालक का अध्ययन केवल मानसिक विकास क्या किया जाता था, परंतु बाल विकास के अंतर्गत बालक के मानसिक, शारीरिक, भावात्मक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये इस बाल विकास के अंतर्गत अन्य चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के अंतर्गत ही रख दिया गया है। अब कोई बाल मनोविज्ञान नहीं कहता है, बाल विकास के अंतर्गत ही बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास क्या है, तो आप उनको बता सको कि बाल विकास ही अब बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आ गया है। इसलिए बाल विकास को ही मनोविज्ञान की शाखा भी कहा जाता है। ये अभी हम लोगों ने विशेषताओं में पॉइंट डिस्कस किया था, तो आपको समझ आया कि बाल विकास क्या होता है और बाल मनोविज्ञान क्या होता है। इसको आपको प्रॉपर पढ़ना है, जिनको मैं प्रॉपर इस तरीके से अंडरलाइन करती हूँ आप समझ जाइए कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको डेफिनेशन के अंतर्गत देखने हैं। तो जो भी आपके ये मैं अंडरलाइन करती हूँ इस टाइप का, तो इसमें आपको अपने भी नोटबुक में अंडरलाइन कर लेना है। और प्लीज़ नोट्स अपने बहुत अच्छे बनाएं, आप अपनी राइटिंग पर फोकस करें अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, साथ ही बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाएं जिससे कि आपको नंबर अच्छे मिल सके। और हम लोगों का टारगेट तो पता ही है आप लोगों का, कि हम लोगों का जो टारगेट है वो 90% का टारगेट है। इसको आपको नहीं भूलना है कि आप लोगों को DLED फर्स्ट सेमेस्टर में 90% लेके आना है। ये आपका टारगेट है DLED फर्स्ट सेमेस्टर का, और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे साथ में मिलकर। अगली जो डेफिनेशन है वो है विकासात्मक मनोविज्ञान। ये तीन शब्द बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है क्या होते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंतर्गत मनोविज्ञान मतलब मस्तिष्क या फिर मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, ये तो हम लोगों को पता ही है। विकासात्मक मतलब जो बच्चे में विकास होता है। देखते हैं क्या है डेफिनेशन। विकासात्मक मनोविज्ञान में मनुष्यों का गर्भ अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, गर्भ अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक, मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वहाँ से इसका अध्ययन प्रारंभ कर दिया जाता है। और जब तक कोई मनुष्य वृद्ध नहीं हो जाता, मतलब बूढ़ा नहीं हो जाता, या जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक उसके बारे में अध्ययन करना ही विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान मतलब उसके बारे में अध्ययन करना, विकासात्मक मतलब उसका जो विकास हो रहा है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और जब व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके अंदर बहुत सारे विकास होते हैं, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। आपने देखा होगा कि हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है जैसे ही एज बढ़ती है, मस्तिष्क का भी विकास होता है। पहले बच्चा ABCD सीखता है, अब बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाता है, स्पीच देना सीख जाता है, साथ ही वो लोगों से बात करना सीख जाता है, प्रॉपर लिखना सीख जाता है। तो ये क्या है, ये आपके डेवलपमेंट ही तो हो रहा है ना, मानसिक डेवलपमेंट हो गया या फिर आपके शारीरिक जो विकास हो रहा है वो हो गया। तो इन सब के बारे में अध्ययन करना ही विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है, कि मनुष्य के विकास के बारे में अध्ययन करना, साथ ही वो समाज से क्या चीज़ें सीख रहा है, क्या उसके परिवर्तन हुआ उसके मस्तिष्क में, क्या उसके मन में, क्या वो सोच रहा है, उसकी थिंकिंग कितनी अच्छी हुई, इन सब के बारे में अध्ययन करना ही विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। तो वृद्धावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, विकासात्मक मनोविज्ञान के। एक बार देखते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान में मनुष्यों का गर्भावस्था से लेकर
वृद्धावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वहाँ से उसका अध्ययन प्रारंभ हो जाता है और जब तक वो वृद्ध नहीं हो जाता तब तक उसका अध्ययन किया जाता है कि उसमें कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आई थिंक आज की क्लास जो थी आप सभी को पसंद आई होगी। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में देखा, फिर नोट हम लोगों ने देखा कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है। यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे ये कुछ बाल विकास की विशेषताएँ। मैंने आपके साथ 7 विशेषताएँ जो थी वो डिस्कस करी। तो एक बार आपको अपनी नोटबुक में सभी सारी चीज़ें लिख लेनी है, फिर एक बार रिवाइज़ कर लेनी है और देन आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट जो हैं वो सॉल्व करूँगी। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल सके पढ़ाई करने में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।